नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे हौसले की ज्योति को सलाम। लॉकडाउन में गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर पीछे बैठाकर दरभंगा लेकर आने वाली ज्योति ने हौसले की नई गाथा लिखी है। इस समय ज्योति की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ज्योति की ट्विटर पर तारीफ की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की बेटी ज्योति की दुनिया भर में तारीफ। पिता को साइकिल पर बैठा गुरुग्राम से लाई थी बिहार। इवांका ट्रंप ने की तारीफ। साइकिल चलाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची ज्योति। अब मिला जिंदगी बदलने का ऑफर। ज्योति ने लॉकडाउन में चलाई 1200 किलोमीटर साइकिल। घर पहुंची तो मिला फेडरेशन का ऑफर। साइकिलिंग फेडरेशन ने ट्रायल का आमंत्रण दिया। लॉकडाउन के बीच अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक का सफर 7 दिन में तय करने वाली ज्योति इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच ज्योति के हौसले को देखते हुए अब ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ने ज्योति को एक बड़ा ऑफर पेश किया है। अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर एनसीआर से दरभंगा पहुंची ज्योति को एक बड़ा ऑफर मिला है। साइकिलिंग फेडरेशन के लोगों ने ज्योति से संपर्क किया और ज्योति को टेस्ट के लिए निमंत्रण दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ज्योति ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और वो जल्द ही दिल्ली जाएगी। इस बात की खबर जब गांव वालों को लगी तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लॉकडाउन के बीच अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक का सफर 7 दिन में तय करने वाली ज्योति इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। इसके साथ ही खबर सामने आने के बाद बेहद गरीबी में जीवन यापन करने वाली ज्योति के परिवार को अब अलग अलग जगहों से आर्थिक मदद भी मिल रही है। इस बीच ज्योति के हौसले को देखते हुए अब ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ने ज्योति को एक बड़ा ऑफर पेश किया। ज्योति की मां ने कहा कि ज्योति ने अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लाने का जो साहसी काम किया है, ज्योति को उसका इनाम मिला है। हमें अपनी बेटी पर गर्व है। फोन किया, बोला बेटा तुमको साइकिल में रेस लगाना है। बोले ठीक है। बोले मैं अभी तुम्हें हम नहीं लगा सकते क्योंकि मेरा पैर हाथ सब दर्द हो रहा है। बोले ठीक है, एक महीना के बाद आ जा, आएंगे हम लेने के। ठीक है, एक महीना के बाद हम आ जाएंगे। बोला कि खाना पीना वहीं पे देंगे, रहने की भी व्यवस्था देंगे। बोले ठीक है। बहुत मजबूरी कहानी है, इसीलिए बेटी हमारा पति को लेकर आया यहाँ पर। पति को लेकर आया, हम लोग बहुत खुश है। बहुत खुशी की बात है कि ज्योति पापा को यहाँ से लेकर यहाँ चले आए। हम लोग बहुत खुश है। वही भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन की तरफ से ज्योति को मिली ऑफर से वे बहुत खुश है। टेलीफोन से सूचना मिलने के बाद से ही ज्योति गांव के सड़कों पर ट्रायल देने की तैयारी उसने शुरू कर दी है। वही ज्योति ने कहा कि लॉकडाउन के बाद वे दिल्ली जाकर ट्रायल देगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का काम करेगी। बता दें कि ज्योति 8 दिनों में साइकिल चलाकर अपने पिता को लेकर दरभंगा पहुंची थी। उसके यहां पहुंचने के बाद से अब तक ये खबर मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। ज्योति के हौसला अफजाई और उसके परिवार की मदद के लिए जिला प्रशासन से लेकर कई संस्थाएं और राजनीतिक दल लगातार सामने आ रहे हैं। तो देखा आपने एक हमारे भारत की शान, जिसे हमें आज गर्व महसूस हो रहा है कि भारत की जो बेटी है उसकी तारीफें की जा रही हैं। एक बेटी अपने पिता को हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार लेकर पहुंची है। तो इस तरीके से तस्वीरें लगातार अभी हमारे पास सामने आती है जहां पर बेटी अच्छी मिसाल पेश करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अनामिका वाजपेयी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और भारती गांधी, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में।
अनामिका जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एक जाबाज ज्योति के जो हौसले से बुलंद दिखाई दिए गए हैं, जहां पर जो इवांका ट्रंप उन्होंने खुद तारीफ की है ट्विटर के जरिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक नामुमकिन की बात को एक मुमकिन करके दिखाया है ज्योति ने। दूरी कोई कम दूरी नहीं होती है, और उसको एक छोटे से बच्चे ने 7 दिन के अंदर जो तय करके दिखाया है, वो छोटी मोटी बात नहीं है। वो हमें बहुत ही गर्व है इस बात पे कि एक महिला होकर के, एक बच्चे होकर के उसने इतनी इतनी लंबी दूरी और अकेले अपने और अपने पिता को लात कर कर बैठा करके वो वहाँ तक दूरी उसने तय की। और कहना गलत नहीं होगा कि वो कलयुग की श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार का नाम जो सतयुग में था, वो आज कलयुग में उसने श्रवण कुमार जैसा काम किया है। आज हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि एक बच्चे ने, एक महिला ने एक इतना अच्छा इतना काम किया है। लास्ट में मैं बस तय कहूँगी कि कुछ कहे बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बिल्कुल सिद्ध किया है ज्योति ने, हमारी ज्योति ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि कोई भी चीज़ अगर हम सोच लेते हैं तो वो छोटी से छोटी हो जाती है, और चाहे वो लक्ष्य हमारा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। जी भारती, जिस तरीके से जो ज्योति ने एक मिसाल पेश की है सभी महिलाओं के लिए, देखा जा रहा है कि भारत में जो महिलाएं हैं काफी कुछ बर्दाश्त करती हैं, उनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो हमेशा परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमेशा आगे बढ़ती है। लेकिन एक ज्योति ने ये जो मिसाल पेश की है, जो दुनिया भर की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक काबिल तारीफ है ये। भारती जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, मैं हूँ यहाँ। जी बात पूरी करें भारती जी। हाँ जरूर बताइए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा एक इतनी बड़ी 15 साल की युवती ने जी इतनी महान काम किया। उसने देखिए, जो युवा अवस्था होती है इसमें सेवा करने की बहुत भावना होती है, और ये जो ज्योति ने किया है ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही सराहनीय है। और हर महिला के अंदर एक शक्ति होती है, आपने देखा शक्ति के रूप में दुर्गा को, शक्ति के रूप में लक्ष्मी को, शक्ति के रूप में सरस्वती को, देवियों को आगे रखा गया है, काली को आगे रखा गया है। ये शक्तियाँ जो हैं वो एक स्त्री में होती हैं। आपने देखा रानी लक्ष्मीबाई ने कितनी कुर्बानी की। तो मैं इस संबंध में एक सशक्तिकरण के बारे में मैं एक आपको बताऊंगी। नारी हो तुम अरी ना रह सके पास तुम्हारे, नारी हो तुम अरी न रह सके। नारी में 4 गुण अधिक होते हैं, धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे। कभी जानकी कभी उत्तरा जीजा बाई, कभी सीता कभी लक्ष्मी और अहिल्या बाई। अपने बलिदानों से युग इतिहास लिखा रे, नारी हो तुम अरी न रह सके पास तुम्हारे। अबला नहीं बलासी ताकत रूप भवानी, पहचानो अपनी अद्भुत क्षमता कल्याणी। बड़ो बना दो विश्व एक परिवार सगारे, नारी हो तुम अरी ना रह सके पास तुम्हारे। अंत में महिला हो तुम मही प्लस हिला, मही को हिलाने वाली ये है शक्ति नारी में। महिला हो तुम मही हिला दो, सहो न शोषण अत्याचार न होने दो, तुष्टों का पोषण अन्यायी अन्याय मिटा दे चदा चला दुधारे। नारी के पास दुधारी तलवार होती है, एक तरफ होती है भौतिक शक्ति, घर में पैसा ना हो तो घर में ही सारे कपड़े धो लेगी, जाते मेहमान आ जाएं तो उसी सब्जी में पानी मिला करके, दही में पानी मिला के, नमक मिर्च डाल करके सारे मेहमानों को खिला देगी। तो ये भौतिक भौतिक शक्ति है, उसमें
कम में गुजारा करा देगी, सारे बच्चों का परिवार पाल देगी। और दूसरी तरफ है दुधारी तलवार में, दूसरी धार है आध्यात्मिक, उसमें आत्मा की इतनी शक्ति है कि उस आत्मा की शक्ति से उसने सबको अपने सामने झुका दिया है। जी बिल्कुल, तो ये है नारी। नारी का अर्थ होता है, आपने बहुत अच्छी बात कही अनामिका जी, वो शख्स जिसका की कोई दुश्मन ना हो तो वो होती है नारी। जी अनामिका जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाएं चाहे किसी भी जी किसी भी रूप में हो, चाहे वो एक बेटी हो या फिर एक पत्नी हो या माँ ही क्यों ना हो, जो भी परिस्थितियां आती हैं उसमें हमेशा आगे बढ़ती है हर चीज को देखकर। तो कहीं देखा जाता है कि महिलाओं की कहीं कहीं पर उसकी इंसल्ट की जाती है, उनको वो रेस्पेक्ट नहीं दी जाती जिसकी वो हकदार होती है, लेकिन महिलाएं फिर भी उससे और आगे बढ़ती है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नारी, और जैसा कि मैम ने कहा वो भी सही बात है, नारी तो नारायणी ऐसे नहीं कहा गया, उनके अंदर जो शक्ति है जो वो है, वो नॉर्मल तौर पे किसी भी पुरुष के अंदर या के अंदर होना सहज संभव ही नहीं। इसीलिए उसको ईश्वर ने जननी की जो एक श्रेणी दी है कि वो ही एक ऐसी है जो जननी हो सकती है, वही है जो ईश्वर कही जाती है, क्योंकि वही नारी है जो चारों तरफ से सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद, सहने के बाद भी हंसती हुई पूरे दिन खुश रहती है, लोगों को दिखाती है कि वो खुश है। आज जो कि समय सिनेरियो चेंज हो गया है, जितनी भी लड़कियां हैं वो वर्किंग में आ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या सब कुछ चेंज हो पाया है? पुरुष प्रधान देश है और वो रहेगा ही, क्योंकि वो मानसिकता बदल नहीं पाती है। आज भी महिला सुबह उठती है, घर के सारे काम निपटाती है, फिर अपने ऑफिस जाती है और फिर लौटती है, फिर घर के सारे काम करती है। इसके विपरीत पुरुष है, पुरुष पहले सुबह उठता है, अपनी बीबी से माँ से पहले वो चाय मांगता है, खाना खाता है, तैयार होता है और फिर चला जाता है, लौट के आता है फिर सेम अपना बैठेगा, चाय पिएगा, नाश्ता करेगा। एक महिला ही है जो सुबह से लेकर रात में 12 एक बजे तक काम करती है और बिना थके करती ही जाती है, और फिर दूसरे दिन तरोताजा होकर काम कर सकती है। इस अगर श्रेणी में देखा जाए तो पुरुष कहीं पर भी नहीं आते हैं, लेकिन उस सब कुछ देख होते हुए भी उसको वो सम्मान वो मान कहीं नहीं मिल रहा। केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं, केवल गरीब वर्ग ही नहीं है जो महिलाओं को वो मान सम्मान नहीं दे रहा, आज भी पढ़ी लिखी वर्ग में भी अत्याचार सहने पड़ रहे हैं, उनको कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ रहा है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, घर में मार खाने से लेकर के और घर में खाना बनाना सब कुछ उन्हीं के लिए ही बना हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा अनामिका जी। भारती जी, जिस तरीके से अनामिका जी ने कहा कि जो हमारा जो भारत है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन जो ज्योति के पिता ने ये कहा है कि पहले वो भी अंतर समझा करते थे कि बेटा और बेटी में अंतर होता है, लेकिन ज्योति ने जो इस तरीके से करके दिखाया है, जो उनको जो हौसला था ज्योति का, उन्होंने जिस तरीके से अपने एक पिताजी को अपने बिहार में गांव पहुंचाया, ये काबिले तारीफ है। तो क्या हमारी जिस तरीके देश की बेटियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं? शायद ज्योति जी ने उन सबकी सोच को बदल दिया है, जो ये सोच रखते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर होता है, लेकिन ज्योति सबकी सोच को बदल के रख दिया है। आगे बढ़ रही है, वहाँ भी जितने भी रिपोर्ट के आप रिजल्ट देखेंगी उन सब में जो लड़कियां हैं उनका रिजल्ट अब लड़कों से ज्यादा अच्छा आने लगा है। हमें किसी में बराबरी नहीं कर, मैंने एक कंपटीशन नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लड़का और लड़की जो होते हैं वो एक मानव जाति के दो हाथ होते हैं, तो जो दो हाथ होते हैं तो दोनों हाथ जब मजबूत होते हैं तब चिड़िया की उड़ान ऊंची होती है। तो एक हाथ दाहिना हाथ अगर लड़का है तो बायां हाथ अगर लड़की है तो दोनों ही पंखों को जब हम तेजी से मजबूत रखेंगे तब जाके चिड़िया की उड़ान ऊंची होगी। तो मानव जाति को आगे आना है, ये सतयुग है और सतयुग में सतयुगी शक्तियां उदय होंगी, उसमें से एक उदय ये हुई है शक्ति कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है। अगर भेद है तो खाली उनकी शिक्षा का भेद है, अगर आपने लड़के को शिक्षा दी लड़की को शिक्षा नहीं दी, अगर लड़के को आपने ट्रेनिंग दी लड़की को नहीं दी,
तो लड़का तो कमाऊ हो गया और लड़की जो है कमाऊ नहीं हुई, तो इसमें दोष जो है हम लोगों का है, समाज का है। हमें दोनों को, लड़का लड़की दोनों को शिक्षा देनी चाहिए, दोनों को ट्रेनिंग देना चाहिए, तो दोनों बराबर होंगी। आप देखिए, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यहाँ की स्पीकर थी, अपनी जो गवर्नर है वो है, तो महिलाओं में और पुरुषों में केवल एक ही अंतर है, वो शिक्षा का। और वो शिक्षा अगर बराबर होगी, प्रशिक्षण अगर बराबर होगा। स्त्री में एक विशेष गुण जो सबसे अधिक है कि वो बच्चे को जननी है, वो ही समाज को आगे बढ़ाती है। अगर उसका आदर किया जाएगा तो बच्चे महान बनेंगे, और बच्चों को महान बनाने के लिए स्त्री को आदर देना चाहिए। और स्त्री की जो सक्षमता की मैं एक बात बताती हूँ, एक माता जी थी, तो वो घर से सब्जी खरीदने के लिए जब गई तो वो अपनी साइकिल पे गई, जब घर पे आके जो देखा तो घर में आग लग गई थी, था एक घर में वो दीपक जला छोड़ गई थी, और वो बिल्ली आई तो उसने मेज पोश खींचा तो वो जो मोमबत्ती थी वो गिर गई, तो आग लग गई। तो सब लोग मोहल्ले के खड़े हुए कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, वो माँ ने आओ देखाना था, वो तोड़ के आपकी लपटों में कूद के अंदर चली गई, और वहां जाकर के वो जो उनका बच्चा जहाँ लेटा हुआ था उसे जाके उठा के बाहर निकाल लाई। तो स्त्रियों में शक्ति की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे जो वीरांगनाएं होती हैं उनका खाली शारीरिक बल में भी वो आगे आ जाती है। लक्ष्मी बाई को देखिए कितनी वो आगे आ गई, एक एक से रजिया बेगम को देखिए कि उन्होंने इस्लाम में होते हुए भी भारत की गद्दी पर, पूरे भारत पर शासन किया। तो स्त्रियों में क्षमताओं की कमी नहीं है, खाली उन्हें उभारने की आवश्यकता है, और कोई कंपटीशन नहीं करना है हमको। दोनों स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिलकर के एक दूसरे। और देखिए अगर किसी स्त्री में कोई कमी हो तो उसके परिवार वालों को उसके अंदर खाली गुण ही देखना चाहिए, ऐसे ही स्त्री को भी अपने पति में या अपने और जो आसपास इंसान है उनके गुण देखने चाहिए। जब गुण देखेंगे तो गुण बढ़ेंगे। बिल्कुल, और भारतीय जी आपने सही बात कही, जिस तरीके से जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी बेटी ने इतनी तारीफें की है हमारी ज्योति की, तो लगातार देश आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो अभी कहीं ना कहीं पीछे हो रही हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या हमारे देश को, जो हमारी सरकार है, उनको महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो खेल का हो या फिर वो शिक्षा को लेकर हो? हाँ, हमारे यहाँ पे हमारे देश के लोग, हमारे देश में महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक बीए तक की शिक्षा उनकी फ्री कर दी गई है, और उनको 33% हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी उनको रिजर्वेशन मिले। और गांवों में तो आप जानती है कि जितने भी प्रधान वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, उसमें उनको 33% का प्रतिनिधित्व मिला है। हर लड़की की शिक्षा के लिए गांव-गांव में स्कूल खोले गए हैं, और जहां नहीं है वहां खोले जाएंगे। हमारी सरकारें इस ओर बहुत जागरूक हैं। लेकिन भारतीय जिस तरीके से आपने कहा कि गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन देखा जाता है, मैं गांव की ही बात करती हूं, तो अगर कोई लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है, उसको पढ़ाने की बजाय, भले ही कोई लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन उसको पढ़ाई करने के बजाय उसकी शादी कर दी जाती है। मानसिकता है ना, अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने के लिए, बीए तक पढ़ने के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए, जैसे इस लड़की ने किया, हमने भी यही किया, हमने ट्यूशन कर करके पढ़ा है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, लड़कियां खुद चाहे तो कुछ भी अचीव कर सकती हैं। वो अपना ट्यूशन करके, अपने परिवार वालों के साथ आकर के, रिश्तेदारों के साथ आकर के बीए वगैरह कर सकती हैं। बीए से भी ज्यादा तो उनको कुशलता हासिल करनी चाहिए, उन्हें बीटीसी करना चाहिए। इंटर करने के बाद में बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनके अंदर वो जा सकती हैं, और उनको उन व्यवसायों की ओर जाना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है लड़की के पास शक्ति, वो शक्ति है चरित्र की शक्ति। आपने देखा महात्मा गांधी जो थे,
वो लड़कियों को कहते थे तुम्हें निर्भीक रहना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे साथ में कोई गलत काम भी कोई कर दे तो उसमें तुम्हारा तो कसूर नहीं है, जिसने किया उसका कसूर है। तो आपको जरा भी अपने को शर्मिंदगी नहीं करके आपको अपने हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। और लड़कियों में सेवा की बहुत भावना होती है, और महात्मा गांधी ने भी कहा था जब पुरुषों में स्त्रियोचित गुण आ जाएंगे तो मानव जाति अच्छी बन जाएगी। तो स्त्रियोचित गुणों को हमें पुरुष में धारण करना है, माताओं का फर्ज है। अगर घर में एक लड़का और लड़की दोनों हो तो दोनों से झाड़ू लगवाए, दोनों से बर्तन मंजवाए, दोनों को खाना बनाना सिखाए। ऐसा नहीं है कि वो एक बच्चे से कह रहे तुम बैठे रहो, दोनों से कहे छोटे बच्चे को देखो मैं बर्तन मांज रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, देखो। इस तरीके से दोनों को मिल करके घरेलू काम करने में दोनों का सहयोग करें। इसी तरह भी वो ये ना कहे, हमारे यहाँ एक कहा जाता है अरे लड़का तो कुल का दीपक है और लड़की क्या है, दीपिका नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ऐसी भाषा शब्दों से अपने भाषा अपने शब्द उसमें वाक्यों को अपने उनसे निकाल देना चाहिए। लड़की को अगर लड़के को किसी को कहना हो कि तुम कमजोर हो तो उसे कहते हैं अरे तुम चूड़ियां पहन लो, अरे चूड़ियां क्यों पहन लो, लड़का कमजोर है तो उससे कहिए आप जाके काम करिए, शक्ति पूर्वक काम करिए, पढ़िए लिखिए अच्छे नंबर लाइए। एक माँ थी तो वो कुएं पर वो खींच रही थी पानी, कई औरतों के साथ में पानी खींच रही थी, तो कई कहने लगे अरे मेरे लड़के ने तो फर्स्ट डिवीजन पास किया, मेरे लड़के ने तो वो किया है, मेरे लड़के ने तो वो IAS हो गया है, मेरे लड़के ने तो PCS हो गया है। तो एक माता जो थी वो बेचारी अपना कुछ नहीं किया था, उसको लग रहा था उसके लड़के ने, तो वो घड़े को सिर पे रख करके अपने चल दी, तो उसका लड़का आ रहा था वो दौड़ के आया, उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उठा करके अपने सिर पे रख लिया और जाके घर तक पहुँचाया। तो सेवा भाव सिखाना माताओं का काम है, बच्चों को अच्छा बनाना माताओं का काम है, महिलाओं का काम है। अगर किसी माँ ने एक बच्चा अच्छा बना दिया, कहते हैं हे दुनिया के लोगों शादी करो ताकि तुमसे वो पैदा हो, वो बच्चा पैदा हो जो इस दुनिया में भगवान का नाम इस दुनिया में ले सके। तो कहते पुराने जमाने में कहा जाता था जने तो सपूत नहीं तो निपुती ही बली। तो हमें लेकिन भारती जी अभी भी समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाता है कि लड़कियां ना तो अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकती हैं और ना ही अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। अनामिका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, देखा जा रहा है जिस तरीके से भारत में काफी रिकॉर्ड तोड़े गए हैं, महिलाएं काफी फतेह हासिल कर रही हैं। अगर हम बात करें जो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने फतेह हासिल की थी, अरुणिमा सिन्हा ने इस तरीके से दिखा कि विकलांग भी हैं लेकिन उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक मामूली बात नहीं होती है। इसको लेकर ज्योति ने एक मिसाल पेश की है, 1200 किलोमीटर साइकिल पे पहुंचना वो भी 7 दिन में एक बहुत बड़ी बात है। तो कह सकते हैं कि शायद हमारे जो भारत की जो महिलाएं हैं लगातार आगे बढ़ रही हैं और सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि महिलाओं को हर जगह रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं कहीं पीछे हटती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि फैमिली की बात कर लें तो परिवार में इसको लेकर काफी मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल दिया जाना चाहिए गांवों में तो दे दिया गया रिजर्वेशन, अब तो खाली जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप कि लगातार चीजें। आप एक बात सोचिए कि जहां जहां पर भी महिलाओं को लड़कियों को मौका मिला है वो उस हर जगह पे उन्होंने अपना परचम लहरा करके दिखाया है, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां वो कह सकते हैं कि विफल हुई हैं, वो हारी हैं। जब उन्हें जहां मौका मिला, फिर वो चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो, प्लेन चलाना हो, या फिर वो यहां पे आकर के प्रधानमंत्री से लेकर के किसी भी पद पे, यहां पर खुद सोचिए एक पुलिस वाली एक बच्चा लेकर के वो ड्यूटी कर रही है कड़ी धूप में, ऐसा कोई जनरल इंसान नहीं कर सकता। ये महिला ही है जिसके अंदर इतनी ताकत है। बस जैसा कि भारती मैम ने कहा कि हमारे अंदर जो एक प्रॉब्लम है कि हमें अवसर नहीं मिल रहे हैं, ज़रूरत है अच्छे से ज़्यादा अवसर मिलने के, उन अवसरों की कमी के कारण। और दूसरी बात मैं ये करूँगी कि हमें पुरुष प्रधान देश से में लड़ने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो लोगों की जो भी मानसिकता है,
जो लोग रेप जैसे कांड करते हैं या जिन जो लोग ये सोचते हैं कि महिला कमजोर है, इनके लिए भी महिलाओं को बच्चियों को तैयार करने की ज़रूरत है। हम किसी से 1200 किलोमीटर चलना कोई आम बात नहीं होती, यानी हमारे अंदर ताकत है, बस उसको एक एक न, वो नहीं बढ़ावा नहीं मिल रहा है, उसको बाहर उसको कोई देख नहीं रहा। हर बच्ची को शुरू से लेकर के से ही इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि वो किसी से भी, चाहे वो लड़ना हो, झगड़ना हो, कुछ भी हो, कोई उसके ऊपर हावी ना हो सके। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी एक दो आदमी आ जाए और वो बेचारी फंस जाए। इन सब चीज़ों के लिए उसको तैयार रहना चाहिए, उनको पढ़ाई के साथ साथ और इन सारी चीज़ों की भी चीज़ देनी चाहिए। अगर ये अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो शायद बहुत सारे हादसे जो महिलाओं के बीच में हो रहे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे जी। और आज जो महिलाएं, बिल्कुल आपने सही कहा नमिका जी, के पेरेंट्स सोच रहे, समझाना बेहद जरूरी है समाज को। जिस तरीके से लगातार वो कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो पुरुष को अपना जो उनका सोच उनको बदलने की बेहद जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। माउंट लिट्रा जी स्कूल नाउ नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिट्रा जी स्कूल नाउ। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। तो हौसले की ज्योति को सलाम। एक बार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हमारे साथ लगातार
दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, अनामिका वाजपेयी और भारती गांधी जी। अब भारती जी, मैं पहले अब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो ज्योति को अब ऑफर भी मिला है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और उनको दिल्ली बुलाया जाएगा लॉकडाउन के बाद, जिसको लेकर वो ट्रायल पर भी जाएंगी, तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में आप, क्योंकि जिस तरीके से उनको आर्थिक मदद भी दी जा रही है। दिल में कुछ करने की तमन्ना होती है तो युवकों में होती है, और युवक जो हैं इतनी ज्यादा उनके अंदर उमंग होती है, जोश होता है, कुछ करने की, कर दिखाने की तमन्ना होती है। तो उस लड़की ने वो करके दिखाया है, और उसने अपने जीवन में अपने पिता को जो 1200 किलोमीटर आपने बताया 7 दिन में ले जाना, इसका मतलब एक दिन में वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चली होगी साइकिल पर, तो कोई मजाक नहीं है। और वो लेके गई तो एक तो वो पिता की भक्त थी, श्रवण कुमार थी वो, और दूसरी बात है कि उसने अपने जज्बे को सामने रखा, और ये जज्बा हर नारी में होता है और वो हमेशा कुछ करके दिखाना चाहती है। जी। तो भारती जी, इस तरीके से अब ज्योति जी को तो जो खबरें सामने आई हैं कि वो अपने पिता को हरियाणा से लेकर बिहार में लेके गई, लेकिन ना जाने ऐसी और कितनी महिलाएं हैं और कितनी बेटियां हैं जो सफर को तय कर रही हैं लॉकडाउन में। ज्यादा कर रही हैं, आप देखिए सिर पे वो रखे हुए गठरी, बगल में बच्चा लिए हुए, एक बच्चे को हाथ में उंगली पकड़े हुए, मर्दों के साथ पैर से कंधे से कंधा मिला करके चलती ही चली जा रही हैं, चलती ही चली जा रही हैं। मैं तो देख करके हैरान हो जाती हूँ, उनको भूख प्यास किसी से कोई भी तकलीफ नहीं है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। जी अनामिका जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, तस्वीरें भी लगातार हमारे पास आती हैं, और हमने देखा था कि एक माँ अपने बेटे को ट्रॉली बैग पर रखकर लेके जा रही है। एक बार अमेरिका में थी तो मैंने वहाँ पर व्हाइट हाउस के सामने एक आदमी को देखा। जी भारती जी, बात पूरी करें। तो वो एक आदमी जो था वो पोस्टर बहुत बड़ा सा लगा के घूम रहा था कि वी वांट इक्वालिटी ऑफ मैन, हमारी स्त्रियां जो हैं वो हमें बराबरी चाहिए, वो हमारे बच्चों को नहीं पालती हैं ठीक से, हमारा कहना नहीं मानती हैं, बाहर बहुत घूमती रहती हैं वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन हमने उनसे कहा कि अच्छा तो आपको स्त्रियों से ये शिकायत है, और स्त्रियों को जो आपसे शिकायत है, बोले नहीं नहीं यहाँ पे अमेरिका में स्त्रियां आदमियों से बहुत आगे हैं। और ये बात मैं आपको देखने में मैं बताती हूँ कैसे हुआ। एक बार मैं प्लेन में जा रही थी तो मैंने कुछ औरतों को देखा, प्लेन औरतों से भरा हुआ था, मैं इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा आप लोग इतनी भारी संख्या में प्लेन में है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा हम व्हाइट हाउस पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमने कहा किस लिए आप प्रदर्शन करने जा रही हैं? उन्होंने कहा वियतनाम में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो हस्बैंड लोग हैं, वो 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें क्या मतलब है वियतनाम से, वियतनाम में वहां जाकर के हमारे सैनिकों को भेज दिया गया, हमारे हस्बैंड वहां हैं, हमारे बच्चे वहां हैं, तो हम व्हाइट हाउस पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि वियतनाम से सब हमारे मर्दों को लौटाइए। और वहां पे आपको पता है 1,00,000 औरतों ने प्रदर्शन किया अमेरिका में। तो वहां अमेरिका में औरतों की इतनी बड़ी आवाज है कि उसी दिन अमेरिका ने ऐलान किया कि वहां पर हमने वियतनाम में लड़ाई भारतीय जी है। जो आवाज अमेरिका में है वो आवाज भारत में क्यों नहीं हो सकती है? क्या भारतीय महिला इतनी कमजोर है, क्या वो अपनी आवाज को नहीं उठा सकती है, क्या सरकार उनको आगे नहीं बढ़ा सकती है? औरत हो गई इंडिया में, प्रधानमंत्री भी औरत हो गई, भारत में तो उससे ज्यादा है। भारत में अमेरिका से ज्यादा है, अमेरिका में वोट देने की उनको शक्ति बाद में मिली, इंडिया में पहले मिली। इंडिया की राष्ट्रपति औरत रह चुकी है, इंडिया की प्रधानमंत्री औरत रह चुकी है, इंडिया की स्पीकर औरत रह चुकी है, इंडिया की प्रधान हमारी कई चीफ मिनिस्टर औरतें रह चुकी हैं, जो वहां छोटे छोटे पदों पे औरतें हैं,
बड़े पदों पर सब आदमी जमे हुए हैं। हिंदुस्तान की नारी में शक्ति है दुर्गा की, उसमें विद्वता है सरस्वती की, वो भारत माता कहलाती है। कोई भी दुनिया में किसी भी स्त्री को माता के नाम से नहीं पुकारा गया है, सारे देशों को फादर के नाम से पुकारा गया है। भारत की नारी को अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो वो स्वर्ग जल्दी से आ जाएगा। भारत में सतयुग जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि माँ ही है जो बच्चे को सद्गुण देती है। आप देखिए, जिस रशिया में हम गए तो रशिया में सारी औरतें ही काम पे लगी हुई थी, तो हम लोगों ने कहा आपके आदमी लोग कहाँ हैं, तो वो कहने लगे हमारे आदमी छोटे मोटे काम नहीं करते हैं, बैंकों में तो औरतें, बस चला रही हैं तो औरतें, ट्राम चला रही हैं तो औरतें, नाई का काम कर रही हैं तो औरतें, बैंकों में तो औरतें, दुकानों में तो औरतें। तो हमने कहा आदमी कहाँ है, तो कहने लगे हमारे आदमी तो पहाड़ों पे काम करते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, हमारे आदमी तो सेना में काम करते हैं, छोटे मोटे काम सब हमारी औरतें करती हैं। तो औरतों के अंदर बहुत शक्ति होती है, हिंदुस्तान की औरतें किसी से कम नहीं है, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं किसी से कम नहीं है। और जी अनिमा के जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से भारती जी ने कहा कि भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं है, हम मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे छोड़ रही है, क्योंकि महिलाओं को कुछ करना होता है या नौकरी करनी हो तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है हर किसी की। जी बिल्कुल सही बात है, जब तक वो बेटी है तो तब वो बिना अपने पिता से परमिशन लिए हुए ये कभी भी, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो उसके बाद में आगे पढ़ना हो, सब्जेक्ट चॉइस करने हो कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उसका कोई भी डिसीजन उसका इंडिविजुअल उसका नहीं होता। जॉब करनी होती है तो यहाँ करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक की जॉब है, जब उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं तभी वो कर सकती है। कोई भी प्रोफेशन हो वो अपने पेरेंट्स की इच्छा के विपरीत नहीं कर सकती है, जबकि इसके अलग कितने परसेंट बॉयज हैं जो अपने पेरेंट्स के ही पूछ करके करते हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें सिर्फ जितने भी पेरेंट्स, इसमें सिर्फ पुरुषों का ही है, हमारे वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी पूरा साथ देना चाहिए। जब वो माँ होती हैं तो अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में उसे जानने और उसको अपने परिवार और समाज तक पहुँचाना चाहिए। जब वो शादी होकर के अपने ससुराल आती है तो सास को वही माँ वाली भूमिका निभानी चाहिए, तभी शायद ये देश में जब महिला के बारे में सोचने लगेगी तो पुरुष चाह करके भी उसको दबा नहीं सकेगा। ये जो एक कमी है, इस कमी को भी हमें को दूर करना है, किसी भी तरह से जो ये एक कमी है, इस कमी से अलग हटके हमको सोचना पड़ेगा कि हम अगर माँ हैं तो मुझे मेरी बेटी का किस तरह भविष्य बनाना है, अगर हम सास बन गए हैं तो मुझे देखना है कि मेरी बहू अगर जा रही है सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है तो क्या वो थक गई है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या करना चाहती है, ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए। अगर वो समझेगी तभी परिवार के और लोग भी समझेंगे, अगर वो नहीं समझेगी तो शायद पुरुष को समझाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके साथ ही जैसे कि भारती मैम ने कहा कि हमारे देश की महिलाएं तो वाकई में बहुत आगे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मतलब ऐसा कोई उच्च पद नहीं है जहाँ पे महिलाएं ना जी, लेकिन नीचे के स्तर पे जाके बातचीत करते हैं, गांव की महिलाओं को आप देख लीजिए, वो घर भी संभालती हैं, उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, वो नौकरी नहीं कर सकती हैं। अगर शहर में जो महिलाएं हैं वो नौकरी भी करती हैं, घर को भी संभालती हैं, तो इस तरीके से काफी जो दिक्कतें होती हैं सामने खड़ी हो जाती हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सबको सोच बदलने की बहुत जरूरत है? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि गांव की महिलाएं जो केवल घर, चाहे वो शहर हो या वो गांव हो, जो केवल घर संभाल रही है, काम उनके पास भी बहुत है। आपको पता है कि 24 आवर्स की का वर्किंग होती है एक महिला जो हाउसवाइफ होती है। आप खुद एक महिला हो, आपको पता होगा कि घर के अंदर कितने काम होते हैं, उसके बाद जो बाहर है उसके पास तो सोचने की बात है, उसके लिए तो डबल वर्किंग है, और वो सब कुछ अच्छे से कर रही है लेकिन फिर भी वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। निचले तबके की महिलाओं को ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिल रहा है, गांव की महिलाओं को ऊपर उठने का मौका नहीं मिल रहा है। ये बात सही है, यहाँ इस श्रेणी में जैसे कि भारती मैम ने कहा, एजुकेशन की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमको कंपलसरी एजुकेशन करनी पड़ेगी, सरकार को कुछ ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी जिससे शायद परिवार
परिवार को या तो किसी तरह फाइनेंशियली फायदा होता है अगर वो लड़कियों को पढ़ाते हैं, या फिर कुछ ऐसी योजना की उनको वो लाभ नहीं होता है अगर उनके घर की लड़कियां नहीं पढ़ती, कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिसके तहत उनकी मजबूरी हो कि वो उनको ग्रेजुएशन या वो जो आगे करना चाहती हैं या जिनकी लड़कियां आगे जाके जॉब कर रही हैं तो उनको कुछ और बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो जॉब के अलावा मिल रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा जिससे कि ये, क्योंकि बिना किसी भी प्रलोभन के शायद कोई चीज़ एकाएक आगे नहीं बढ़ सकती है। एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जिसको समझना है वही समझ रहे हैं ना। जिसके गांव में चले जाइए, लोग पहले जिनके पास में कम है तो पहले अपने घर के लड़कों को पढ़ा रहे हैं। इवन ये छोड़ दीजिए, जब बच्चा किसी के पेट में होता है तो सबकी एक ही इच्छा होती है कि उसके बेटा हो जाए। ये सोच चेंज करनी पड़ेगी, ये सोच को चेंज करना बहुत जरूरी है, यहाँ से शुरू होती है वो सोच। जो जी भारती जी, जिस तरीके से अना मैगजीन ने कहा है कि जिस तरीके से कोई बच्चा पैदा होता है तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि लड़का ही हो, आखिर क्यों लड़कियों को देखा जाता है, मार दिया जाता है गर्भ में ही, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनको आगे नहीं पढ़ाया जाता। भले ही हमारा देश आगे बढ़ रहा हो, तरक्की कर रहा हो, लेकिन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं कमी तो जरूर हो रही है। असल में ये हमारे इतिहास से लिया गया है। इतिहास में जब अरबिस्तान में कारवे चलते थे तो एक कारवा दूसरे कारवे से लड़ाई में दूसरे को हरा देता था, मार देता था। तो जब उनके सारे पुरुष मार दिए जाते थे तो वो उनके जो स्त्रियां होती थी उनको वो अपने गुलाम बना लेते थे। तो इसलिए उन्हें लगता था कि अगर हमारी घर में लड़की पैदा होगी तो पता नहीं कब उसके सामने ये आ जाए। तो वो तो यहाँ तक करते थे कि जमीन खोद करके लड़की पैदा हुई तो उसमें जिंदा लड़की को ही गाड़ देते थे। तो ये इतिहास हमारा है जो कि शारीरिक बल पर चलता रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि शारीरिक बल की जगह अब जो है वो लड़ाइयाँ जो होती हैं वो उससे मशीनों से होती हैं। तो जो मशीन को ज्यादा अच्छी तरह से चला सकता है वो ज्यादा बलवान माना जाता है। अब तीर और तलवार से लड़ाई नहीं होती है, अब जो है वो निशाना, किसका निशाना बंदूक का ज्यादा अच्छा होता है इससे होती है। आप देखेंगे अब अमेरिका में उन्होंने सैन्य जो भर्ती होती है उसमें औरतों को भी भर्ती किया है, क्योंकि उनकी भी जो निशाना लगाने की शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है। तो जो जमाना जाता था वो शारीरिक शक्ति का। अब धीरे धीरे सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है अब शारीरिक शक्ति का जमाना नहीं रह गया है। जब अभी भी गांव में अगर किसी के 7 लड़के हैं या 6 लड़के हैं वो अपने को ज्यादा बहादुर समझता है, ज्यादा शक्तिशाली समझता है, और जिसके घर में 7 लड़कियां हैं या 6 लड़कियां हैं वो अपने को बहुत दबा हुआ समझता है। क्योंकि लड़की तो आदमी से भौतिक लड़ाई में लड़ नहीं पाएगी, शारीरिक लड़ाई में लड़ नहीं पाएगी। तो ये शिक्षा की कमी है। और हम लोग अभी तक जो है किशोरावस्था में चल रहे हैं, बाल्यावस्था से मानवता आगे निकल आई है। किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता होती है, बहुत ज़्यादा मनमानी होती है, भावनाओं की बहुत ज़्यादा उठा पटक होती है। तो अभी ज़माना उसमें चल रहा है, लेकिन ये सारा मानव जाति जो है वो अब प्रौढ़ता की ओर आगे बढ़ रही है। प्रौढ़ता का मतलब होता है कि झंझावातों से ठंडा हो जाना, झंझावात कम हो जाना, और प्रौढ़ता माने एक दूसरे को समझना, और समझ करके मानव जाति आगे आ रही है। और वही सत्युग होगा, वही राम राज होगा, जिसके अंदर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुनी व्यापा। राम के राज्य में ना तो कोई बीमार पड़ा, और ना तो राम के राज्य में कोई भूचाल आया, ना कोई सुनामी आई, और ना ही कोई गरीब था। तो ये सब हो रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हमें प्रौढ़ता की ओर बढ़ना है, हमें उस श्रृंखलता से अपने को आगे ले जाना है। ये हो रहा है, पुराना जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे पुरानी व्यवस्था का बिस्तरा उठ रहा है और नई व्यवस्था का बिस्तरा उसकी जगह बिछाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा युग है, और इस युग में स्त्रियों की शक्ति जो है वो आगे आएगी, क्योंकि तो स्त्रियों में मैंने जैसे पहले भी बताया कि पुरुषों से 4 गुण अधिक होते हैं, धैर्य,
त्याग जी बिल्कुल आपने सही कहा भारती जी, महिलाओं में काफी ज्यादा धैर्य होता है और वो हर चीज को बर्दाश्त करने की शक्ति भी उनमें सबसे ज्यादा होती है। मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद हम यहाँ जल्द हाजिर होंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो ज्योति है उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुद अपनी पिता को हरियाणा से बिहार लेकर गई, उसको आज पूरा देश सलाम कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ए वतन रे वतन, ए वतन 22 तारीख को भारत बंद है, आपने सोचा एक दिन का बंद दिन का बंद आपने सोचा एक दिन का बंद, ये नहीं समझाया क्यों हुआ। दो महीने होने वाले हैं, तो 2 महीने आपने बिना काम कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गए, घर से कोई पैसे मंगवाया है बैंक में जाके। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। Mount Literacy School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure ke saath Mount Literacy School, Unnao. IPL Pan Masala, isme hai Shimoga ki mashhoor supari, Kerala ke baago se ilaichi, Solan ke jangalo se utpadit shuddh katha, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का तो हौसले की ज्योति को सलाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान जुड़ी हुई हैं। अन्यमाइका जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो लॉकडाउन के बीच में ज्योति का सफर हमने देखा, वो 7 दिन में बिहार पहुंचे अपने पिता को लेकर, तो जिस तरीके से लोग उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और पूर्व CM ने उनको, जो अखिलेश यादव है, उन्होंने 1,00,000 रुपये का ऐलान भी किया है। लेकिन अगर बात करें कि जिस तरीके से 7 दिन जो गुजरे हैं बहुत ही दर्दनाक गुजरे होंगे, क्या हम उसको बयां कर सकते हैं? जी भारती जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक 15 साल की बेटी अपने पिता को लेकर पहुंची है बिहार में, तो लेकिन ये एक बहुत काबिले तारीफ है, एक नामुमकिन काम को मुमकिन किया है ज्योति ने, तो इससे हमारे जो पूरी जो महिलाएं हैं देश की, पूरे जो दुनिया की जो महिलाएं कहेंगे हम, कि एक प्रेरित कर रहा है ज्योति, सबको प्रेरित किया है।
बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। माता पिता की सेवा का उसने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। और अभी तक लोग जो थे कहते थे, हाय मेरा लड़का होता तो मेरे लिए ये करता, मेरे लिए वो करता। आप देखिए, लड़की ने लड़के से ज्यादा ज्यादा ही काम किया है। वो किसी भी हालत में उसने लड़के से कम काम नहीं किया। मैं तो समझती हूँ, वैसे भी हरियाणा की जो लड़कियां होती हैं बहुत बहादुर होती हैं, और इसलिए भी बहादुर होती हैं कि हरियाणा में लड़कियों को बहुत दबाया जाता है। मेरी एक बहन की शादी हरियाणा में हुई, तो क्या हुआ, जब उसके लड़का पैदा हुआ तो उसको खाना वाना खूब दिया गया, और उसके बाद में जब उसके लड़की पैदा हुई तो उसको खाना भी नहीं दिया गया, उसको एक कोठरी में रख दिया गया और कोई भी खुशी उसके साथ नहीं करेंगे। जबकि वो एमए पास थी, बीएड थी और सब प्रकार से योग्य थी। उसका हस्बैंड एक मैथमेटिक्स का टीचर था, लेकिन पति पत्नी की कुछ नहीं चलती है। वहाँ पर हरियाणा में अभी भी जो है वो जो हांडी में दूध पकाया जाता है, तो दूध पकाने के बाद में उसके ऊपर की जो मलाई होती है वो सबसे पहले हस्बैंड को दी जाती है, फिर लड़के को दी जाती है, फिर जो दूध बचता है वो लड़की को दिया जाता है, और फिर नीचे की जो छाछ लगी होती है उसे खरोच करके बहू को दिया जाता है। तो वहाँ पर लड़के लड़की में बहुत भेद है, इसलिए वहाँ की लड़कियाँ बहुत आगे आएंगी। मैं भी हरियाणवी हूँ, मेरा जिला बुलंदशहर है, बुलंदशहर लगा हुआ है हरियाणा से। तो हमारे यहाँ बुलंदशहर में भी लड़की को बहुत छोटा माना जाता है। हमारे घर में लड़का नहीं, तीन लड़के थे और आठ बहने थे हम लोग, तो हमेशा हाय हाय लड़का नहीं है। लड़के अच्छे रास्ते पे नहीं गए, लड़कियां सब एक से एक बहादुर बनी, एक से एक जाकर के उन्होंने खूब अपनी मेहनत ट्यूशन करके पढ़ा लिखा, अच्छी शादियां हुई उनकी। लेकिन लड़के जो है पीछे ही रह गए, क्योंकि उनको लाड़ प्यार में इतना ज्यादा बिगाड़ दिया गया। तो ये जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि घर में अगर दो बच्चे हों, एक लड़का और एक लड़की, और पैसा इतना ही हो कि एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो पैसा लड़की की पढ़ाई पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि लड़की बड़ी होकर के माँ बनेगी, और जो माँ होती है बच्चे की पहली टीचर होती है, और उसको ऊपर खर्च करने से ये हमें मूल्यों को बदलना है, हमें सभ्यता को बदलना है। माँ बाप क्या करते हैं, लड़की को बीए पास करा दिया छोटे मोटे हिंदी में, सोशियोलॉजी में, मामूली विषयों में पढ़ा करके उसकी शादी कर दी। अब मान लीजिए घर गृहस्थी में कोई कठिनाई आई तो वो कमा नहीं सकती है, सारी जिंदगी उसे एक दासी की तरह, और अपने बच्चों के लालन पालन में भी उसको कठिनाई होती है। माँ बाप को जैसे कि बच्चे को एक रोजगार दिलाना चाहिए, वैसे ही लड़कों को दिलाते हैं, उससे पहले लड़कियों को दिलाना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है वो किसी माने में, बुद्धि में, क्षमता में, त्याग में, जोश में और वीरता में किसी चीज में भी कम नहीं है। तो ये जमाना बदल गया है, इस जमाने बदले हुए जमाने के साथ लड़कियों को आगे लेना है। मुझे याद आता है भारती जी कह सकते हैं कि ज्योति ने अपने हौसलों से सबकी सोच बदल के रख दी है, और अब ज्योति आगे बढ़ने की रास्ते पर चल पड़ी है। पर्यटकों में घी कम लगाती थी, वो अलग रखती थी। तो मैंने नानी जी से पूछा, जी बिल्कुल आगे बढ़ चली हैं, अब लड़कियों में आगे बढ़ने की तमन्ना है। वो कहती है मैं किसी से कम नहीं हूँ। आप पिक्चरों में भी देखिए, लड़कियां कहती हैं कि मैं भी ये करूंगी है। अब घरों में भी कहती है लड़कियां, कब तक लड़कियों को दबाया जाएगा, ये सतयुग है, इसमें गुण आगे आएंगे, अच्छी मान्यताएं आगे आएंगी, जमाना आगे बढ़ेगा, सभ्यता आगे बढ़ेगी, और लड़कियों के लिए अच्छा जमाना आप देख ही रही है, जैसे कि इस लड़की ने किया है। और वैसे आप देखिए कितनी लड़कियां हैं जो किसी से एक दूसरे से आगे ही और आगे हैं, पीछे नहीं है, उनको दबा के रखना कोई आसान काम नहीं है आजकल। जी भारती जी आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से ज्योति ने जो कहा एक बहुत अच्छा काम किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। और अनामिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के, हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार जो महिलाएं हैं आगे भी बढ़ रही हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे वो खेलकूद का क्यों ना हो या फिर राजनीति क्यों ना हो, और अब एक ज्योति ने भी सफर तय करके 1200 किलोमीटर का एक ये मिसाल पेश कर दी है कि जो लड़कियां हैं वो कभी किसी से पीछे नहीं हट सकती हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।